-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब लेपर्ड सील के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो ऐसे में वो पेंगुइन का शिकार करती है। एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ऐसे में आमतौर पर ये या तो ठंडे इलाकों में रहता है या फिर पानी में रहता है। पेंगुइन पानी के अंदर 800 मीटर की गहराई तक जा सकता है और आधे घंटे तक पानी में रह सकता है। लेपर्ड सील जिसका वजन 3000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है बहुत खतरनाक होती है। आमतौर पर ये दूसरी सीलों को भी खा लेती है। पेंगुइन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है जिसकी वजह से कई बार इसकी जान बच जाती है। पर शिकार और शिकारी के बीच की दूरी को केवल बढ़ाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सील दोबारा अटेम्प्ट करती है पेंगुइन को खाने के लिए। पेंगुइन दोबारा से बर्फ के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाता है, पर सील भी तो पानी से बाहर निकल सकती है। बाहर जरूर निकल सकती है पर बर्फ के ऊपर ज्यादा दूर चल नहीं सकती, इसीलिए उसे आज खाली हाथ ही लौटना होगा। फिलहाल आज के लिए तो पेंगुइन की जान बच चुकी है। अपनी ऐसी सर्वाइवल क्वालिटीज की वजह से ही पेंगुइन पिछले 40 मिलियन सालों से पृथ्वी पर जिंदा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।